अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर आयन के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेंशन किया था कि हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक है। रिलेटिव एटॉमिक मास ये सच ऐसा टॉपिक है जिसकी इवन डिफाइन याद करने में भी स्टूडेंट्स को अच्छा खासा टाइम लगता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इस तरह से है कि इसके लिहाज से माइंड में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई वी यूज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाट इज़ मीन बाय रिलेटिव एटॉमिक मास, और जो आप जैसे नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं इसकी डेफिनेशन के हम कार्बन को रिलेट करके एक एटॉमिक मास निकालते हैं। तो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, दैट व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाई वी यूज रिलेटिव एटॉमिक मास, एंड व्हाई वी यूज या व्हाई वी टेक कार्बन एज अ स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसको स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव अगर हम इसके लिटरली मीनिंग में जाते हैं, रिलेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिलेट करना। सिंपल वर्ड में हम क्या कहते हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास मीन कि हम एटॉमिक मास को एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय कंपैरिजन, या हम एटॉमिक मास को एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी भी दूसरे कंपोनेंट से रिलेट करके। तो जो एटॉमिक मास आ रहा है दिस वन इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इसकी स्टेटमेंट से तो हमें ये चीज़ समझ आ गई कि हमने एटॉमिक मास को रिलेट करके बताना है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमने रिलेट किससे करना है। तो यहां पे मैं डिफाइन करूंगी इसको, द एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसको क्या करना है, हमने रिलेट करना है। किससे रिलेट करना है? विद द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। और कार्बन एटम का हमने कौन सा मास लेना है जिसका एटॉमिक मास है कार्बन एटम टेकन एज 12। टेकन एज 12 का मतलब है कि हमने कार्बन का वो आइसोटोप लेना है जिसका एटॉमिक मास हमारे पास क्या होगा, 12 होगा। क्योंकि अभी हम आइसोटोप को आगे स्टडी करेंगे, क्योंकि कार्बन के तीन आइसोटोप होते हैं, जो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है वो कार्बन 12 है। दैट्स व्हाई वी टेक इट एज अ स्टैंडर्ड। अब पहले हमने इसको डिफाइन कर दिया, द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द, या जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं एज कंपेयर्ड टू द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम टेकन एज 12। ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास की क्या होगी, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कि हमने एटॉमिक मास को एक्सप्लेन कर दिया किसके एटॉमिक मास से कंपेयर करके, कार्बन एटम के साथ कंपेयर करके। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्लेन करने के लिए यूनिट कौन सा यूज करते हैं। नाउ विच यूनिट इज यूज टू एक्सप्लेन द रिलेटिव एटॉमिक मास। अब जो यूनिट एक्सप्लेन किया, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्लेन करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वो हमारे पास क्या है, दिस यूनिट इज द एटॉमिक मास यूनिट। ये हमने एविडेंस ऑफ एटम में भी स्टडी किया था। इसका सिंबल हमारे पास क्या है, ए एम यू सिंबल है। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसको अगर डिफाइन किया जाए, इट इज 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। कि अगर कार्बन 12 का 1/12 पार्ट जो होता है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ एटॉमिक मास यूनिट। मींस कि अगर यहाँ पे मैं कंसीडर करूँ, शॉर्टली आपको बताऊँ कि ये आपके पास सपोज करें एक कार्बन एटम का स्केल है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 12 इक्वल पार्ट्स में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, साथ में आ जाते हैं 12। तो 1/12 पार्ट का क्या मतलब होगा कि हम टोटल 12 पार्ट में से जस्ट एक इसका पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो इट्स मीन के जो 1/12 पार्ट है, दिस वन इज इक्वल टू 1 AMU, के मीन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 AMU। और 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, दिस वन इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। कि अगर हम किलोग्राम में देखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 AMU इसके इक्वल होता है। अगर हम ग्राम्स में मेंशन करते हैं, 10⁻²⁴ ग्राम्स, और अगर हम मिलीग्राम में मेंशन करते हैं, 1.66 × 10⁻²⁶ मिलीग्राम। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया इसके यूनिट को। अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट का एक सिंपल क्वेश्चन होता है कि व्हाई वी टेक कार्बन एज अ स्टैंडर्ड एंड व्हाई वी यूज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बेटा इसका आंसर सिंपल है कि हमें रिलेटिव एटॉमिक मास लेने की जरूरत क्यों पड़ी। रीजन ये था कि जैसे हमने एविडेंस ऑफ एटम में स्टडी किया था कि एक एटम का जो मास होता है, मास ऑफ एटम, इसकी रेंज कितनी होती है, मास ऑफ एटम की जो रेंज होती है, दिस वन -27 × 10⁻²⁵ kg।
अगर हम यहाँ पे देखते हैं -27, तो ये हमारे पास बहुत ही स्मॉल नंबर है, बहुत ही स्मॉल मैस है, जिसको हम किसी भी सिंपल इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से हम इजीली इसको बैलेंस नहीं कर सकते, या हम इजीली इसको जज नहीं कर सकते कि ये कितना मैस है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या किया, इसका कंपैरिजन करना स्टार्ट किया कार्बन 12 से। अब कार्बन 12 हमारे पास, हमने कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड क्यों यूज़ किया, इसकी रीज़न सिंपल है। रीज़न क्या है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताते जाऊँ कि हमने कभी भी शुरू से कार्बन एटम को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ नहीं किया। अगर हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में देखते हैं, तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड यूज़ किया गया था वो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड यूज़ किया गया, देन ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड यूज़ किया गया, फिर लास्ट में हम आए कार्बन पे। और उनको स्टैंडर्ड यूज़ करते करते क्यों, मतलब हम कह सकते हैं कि निग्लेक्ट क्यों कर दिया गया, या हमने उसको क्यों डिनाई कर दिया, उसकी रीज़न ये थी कि अगर हम हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप थे वो स्टेबल नहीं थे। अगर स्टेबल थे भी तो उनके जो अटोमिक मास था या अटोमिक नंबर था वो एज इट इज़ एग्जैक्ट नहीं था। ऑक्सीजन की भी कंडीशन कुछ इसी तरह थी, लेकिन कार्बन जो है, कार्बन की फर्स्ट वन, कार्बन को हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, वाई वी यूज या वाई वी टेक कार्बन एज स्टैंडर्ड, हमने कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड यूज क्यों किया। तो इसका आंसर हमारे पास ये है, फर्स्ट वन, एक तो ड्यू टू स्टेबिलिटी, एक तो हमने कार्बन को उसकी स्टेबिलिटी की बेस पे, एंड सेकेंड वन ड्यू टू अबंडेंस, और थर्ड वन हम कह सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक मास था वो एज इट इज 12 ही था, मतलब एग्जैक्ट एटॉमिक मास था, उसमें कोई फ्रैक्शन या इस तरह की कंडीशन नहीं आ रही थी। तो इन शॉर्ट हम यही मेंशन करेंगे कि व्हाई वी टेक कार्बन एज अ स्टैंडर्ड, ड्यू टू इट स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस हमने क्या किया, कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड यूज किया। अब अगर मैं इस टॉपिक को समराइज करूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि हमने एटॉमिक मास को रिलेट करके एक्सप्लेन करना है। डेफिनेशन में क्या आ जाता है, किसी भी एलिमेंट, द एटम ऑफ एन एलिमेंट, के जो एटॉमिक मास है किसी भी एटम का एक एलिमेंट के, उसको हमने कंपेयर करना है कार्बन 12 के साथ। यूनिट कौन सा यूज होता है, एटॉमिक मास यूनिट यूज होता है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट इज 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन। और ये किस तरह से है कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन किसकी इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1 AMU। मैं आपको ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वैल्यू इसकी क्या होती है, किलोग्राम में, ग्राम में और मिलीग्राम में, हमने डिफरेंट यूनिट्स में इसकी वैल्यूज को मेंशन कर दी है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमें रिलेटिव एटॉमिक मास की जरूरत ही क्यों पड़ी। रीजन ये है क्योंकि जो मास ऑफ एटम होता है वो इतना स्मॉल होता है कि हम उसको किसी भी एक सेंसिटिव बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने इसके लिए रिलेटिव या कंपेरिजन का तरीकाकार यूज किया। और हमने कार्बन को स्टैंडर्ड क्यों यूज किया, बिकॉज इट इज हाईली स्टेबल एंड ड्यू टू इट्स अबंडेंस। यहाँ पे हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। ओके बेटा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोटॉप्स। अब हम आइसोटॉप्स को स्टडी करते हैं। ये सारे वो टॉपिक हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा सा हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स के लिटरली मीनिंग, मीन लफ्जी मतलब क्या है। आइसो का मतलब होता है हमारे पास, आइसो मीन्स सेम एंड टॉप मीन्स पोजिशन। मतलब आइसोटॉप का मतलब क्या है, सेम पोजिशन। अब आइसोटॉप को आइसोटॉप कहा क्यों जाता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका, जिसको हम मेंशन करते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। जब इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर होता है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मैं दोबारा एक्सप्लेन करती जाऊँ कि हमने क्या मेंशन किया कि आइसोटॉप का मतलब होता है सेम पोजीशन। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जब एटॉमिक नंबर सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो वो पीरियोडिक टेबल में भी सेम ही पोजीशन पे आते हैं, जिस बेस पे इसको हम क्या नाम देते हैं, आइसोटॉप का नाम देते हैं। सेकेंड वन, जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। यहाँ पे एक अक्सर पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है
कि वाई आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो उसका आंसर सिंपल होता है, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज नॉट चेंज, सो दीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं. इसलिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि एटॉमिक मास आइसोटॉप्स का क्या होता है, डिफरेंट होता है. इसकी एग्जाम्पल हम मैंशन कर देते हैं कि एग्जाम्पल में हमारे पास कार्बन आ जाता है. कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, जिसमें कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है. हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, जिसमें हमारे पास आप लोग पढ़ चुके हैं प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम. उसको हम इस तरह से मैंशन करते हैं, ये प्रोटियम है, ये हमारे पास आ जाता है ड्यूट्रियम, और ये किसके आ जाते हैं, ट्राइटियम. और ऐसे अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें, बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल हैं जो आइसोटॉप्स की उन्होंने मैंशन की हुई हैं. अब नेक्स्ट वन है हमारे पास मेथड टू राइट आइसोटॉप. ये एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आइसोटॉप्स को राइट कैसे करते हैं. तो पहला तरीकाकार तो ये होता है कि आपने क्या राइट करना है, सिंबल ऑफ एलिमेंट. कि आप जिस एलिमेंट का आइसोटॉप लिखना चाह रहे हैं उसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या राइट करेंगे, सिंबल राइट करेंगे. साथ में हमने क्या राइट करना होता है, उसका एटॉमिक मास राइट करना होता है, और प्लस साथ में हमने क्या राइट करना होता है, उसका एटॉमिक नंबर. अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमने एलिमेंट का सिंबल तो राइट कर लिया, एटॉमिक मास हम कहाँ पे राइट करेंगे और एटॉमिक नंबर कहाँ पे राइट करेंगे. एटॉमिक मास जो होता है ऑन द टॉप ऑफ सिंबल. क्या आपने सिंबल की टॉप पे क्या लिखना है, एटॉमिक मास को मेंशन करना है, और एटॉमिक नंबर को कहाँ पे मेंशन करना है, ऑन द या एट द बॉटम ऑफ सिंबल. सिंबल की बॉटम पे हम किसको मेंशन कर देंगे, जैसे जस्ट लाइक मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि अगर हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, प्रोटियम की बात करते हैं या ड्यूट्रियम की बात करते हैं, तो ये एटॉमिक मास है ड्यूट्रियम का और ये एटॉमिक नंबर है ड्यूट्रियम का. ये हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम आइसोटॉप है. तो हमने क्या करना है, तरीकाकार इसका सिंपल है. हाइड्रोजन एलिमेंट का हमने सिंबल लिखा, ऊपर हमने एटॉमिक मास को मेंशन कर दिया, लोअर पोजीशन पे हमने किसको मेंशन कर दिया, एटॉमिक नंबर को. और दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपने सिंपल क्या लिखना है, सिंबल लिखना है, दरमियान में हाइफन ड्रा करनी है, और हाइफन ड्रा करने के बाद आपने क्या राइट कर देना है, एटॉमिक मास. जैसे जस्ट लाइक मैंने ऊपर कार्बन को मेंशन किया कि कार्बन का सिंबल ड्रा किया, उसके बाद मैंने हाइफन राइट किया और साथ में मैंने उसका एटॉमिक मास राइट कर दिया. ये कार्बन 12 आइसोटॉप, ये कार्बन 13, और इसी तरह हमारे पास क्या है, कार्बन 14 आइसोटॉप. ये शॉर्ट्स है हमारे पास आइसोटॉप्स का इंट्रोडक्शन, के आइसोटॉप्स बेसिकली होते क्या हैं, कि ये वो एटम्स होते हैं कि एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है. एटॉमिक नंबर सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं. एटॉमिक मास डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं. साथ में हमने एग्जांपल मेंशन कर दिया. और आइसोटॉप्स को राइट कैसे करते हैं, हमने सिंबल राइट करना होता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर. एटॉमिक मास को हम टॉप पोजीशन पे राइट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम लोअर पोजीशन पे राइट करते हैं. और दूसरा सिंपल मेथड है कि आप सिंबल लिखेंगे, हाइफन राइट करेंगे और साथ में एटॉमिक मास हो जाएगी. और यहाँ पे मैं साथ में मेंशन करती जाऊँ कि आइसोटॉप की जो टर्म थी सबसे पहले वो किसने यूज की थी, इट इज डिस्कवर्ड बाय या फर्स्टली यूज बाय स्टोनी. ये हमारे पास एक केमिस्ट था, स्टोनी ने सबसे पहले आइसोटॉप्स की टर्म को डिस्कवर किया था. वो आगे अगर मतलब हमारे पास ये बुक में टेक्स्ट बुक में शॉर्ट टॉपिक है तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आइसोटॉप्स के अकॉर्डिंग. आई होप आइसोटॉप्स और रिलेटिव एटॉमिक मास आपको कम्प्लीटली समझ आ चुका होगा. बेटा इससे रिलेटेड आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप इजीली यहाँ पे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.